नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त विनोद और फिलहाल हूँ उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के जेड पंचायत के उपलागुजा गांव में। और आपने देखा होगा कुछ देर पहले आप जो सड़क देख रहे थे, इस सड़क को आप देख सकते हैं। ये जो सड़क है वो बुजा से उपलागुजा की ओर आती है, उपलागुजा स्कूल तक पहुँचती है, लेकिन सड़क का जो रास्ता है वो पूरी तरह ख़राब है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उपलागुजा गांव के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल रात को एक ऐसी घटना घट गई, जो घटना इस सड़क की वजह से घटी ये साफ तौर पर दिखाई देने वाली बात है। और ऐसा क्यों हुआ ये तो शायद मेरे को बात करने के बाद ही पता चलेगा। आइए, मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा, तभी शायद मुझे कुछ पता चलेगा। गुलाब चंद दमार मैं वो था हमारे गाँव में ना, उपलागुजा। आप हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तो आपका नाम गुलाब है। आप थोड़े नज़दीक आ जाइए। तो गुलाब भाई, जैसा कि कल रात को एक घटना घट गई जो कि आपके साथ ही घटी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली, तो वो क्या घटना है? वो मेरी औरत ही थी, उसको डिलीवरी का टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब गाड़ियों की रोड की दिक्कत है, गाड़ी एम्बुलेंस आती नहीं, तो दो जने पकड़ के पैदल रात को ले जा रहे थे। फिर एम्बुलेंस को मतलब कॉल किया डामरी रोड तक, तो एम्बुलेंस 7 बार कॉल किया तो एम्बुलेंस वाले ने कॉल उठाया नहीं। इसके बाद में फिर मैं रास्ते में, मेरी पत्नी की टाइम पीरियड हो जाने के बाद डिलीवरी रास्ते में हो गई जमीन पे, तो बच्चा बेहोश था। रास्ते में ले जाते जाते मांडवा उप स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, उनकी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों ये कब घटना घटी थी? रात को 11 बजे घर से निकले थे, 1:30 बजे आसपास। तो जैसा कि मैंने आपके फ़ोन में देखा कि आपने 1:18 के आसपास 108 को फ़ोन किया हुआ है। हाँ, 108 को 7 बार फ़ोन किया। तो वो घर से फ़ोन किया था या कब फ़ोन किया था? रास्ते से किया था, घर से निकलते ही। घर से निकलते ही, थोड़े आगे चलते वो नामरिक तक आ जाएंगे। तो 108 को फ़ोन किया तो वहाँ क्या हुआ? कॉल ही नहीं उठा रहे थे। अच्छा, तो इसके बाद जितनी जानकारी मुझे मिली है, आपने यहाँ के जो ANM है उनको भी कॉल किया था? हाँ, विमला मैडम को कॉल किया था, उसने भी कॉल नहीं उठाया। फिर तो किसी भाई की टैक्सी को बुला के फिर माँ सन ऑफ नकना का पास आ जाए, बहुत करीब नकना को टैक्सी ने बुला के वहाँ से फिर ले गए मांडवा, वहाँ इंजेक्शन लगाया। तो ये जो घटना घट गई, आपको क्या लगता है ये क्यों घटी? ये घटना रोड अच्छा होता तो एम्बुलेंस या कोई भी साधन तुरंत आ जाता। दूसरे मतलब कई साधनों वालों को फोन करते हैं तो रोड खराबी होने की वजह से नहीं आते। तो ये कितना रोड खराब है? ये 5 किलोमीटर खराब है। 5 किलोमीटर तो इसको ठीक करवाने के लिए कभी कुछ? कई बार डोकरे मर गए जन्मों से जन्म, 72 साल हो गए, आज तक इस पूजा गाँव में कोई सुविधा नहीं प्रशासन की तरफ से, नेताओं की तरफ से। तो यहाँ पर तो जैसे स्कूल भी बनी हुई है। हाँ, तो स्कूल के अंदर टीचर भी आता होगा? हाँ, टीचर आता है। तो फिर वो कैसे आते हैं? वो तो एक पगडंडी बनाई है नरेंगा की तरफ से, तो वो बेचारा परेशानी देख के नौकरी की वजह से आना पड़ता है उसको। तो उपलागुजा में कितने लोग रहते हैं? उपलागुजा में 350 आसपास मकान आबादी। तो जब आप आगे कोई कागज भेजते हैं रास्ते को ठीक करने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, तो आगे से क्या जवाब आता है? आगे से जब आप हो जाएगा काम, लेकिन होता ही नहीं। तो जैसा कि आपकी परिवार आपके साथ घटना घटी, आपकी जो पत्नी है उनकी डिलीवरी हो रही थी, जो बच्चा है वो मतलब मृत हो पाया गया, तो क्या लगता है ये पहली घटना है या ऐसी पहले भी कोई घटना घटी है? हाँ, ऐसे पहले एक बार और घटना घटी है, वहाँ हमारे पड़ोसी डमरोला है, वहाँ और मर गई औरत। अच्छा, डिलीवरी होते ही औरत की मृत्यु हो गई। हाँ, तो उसके बाद भी
प्रशासन की ओर से कोई रास्ता बनाने की कार्रवाई? कोई नहीं, अपने अपने मतलब जेबों के लिए काम करते हैं, और गरीब गरीब को कोई दिखता नहीं है, अमीरों को ही दिखते हैं नेता लोग। और वोट लेने के टाइम में तो वो तो अपने लोगों को ही थोड़े बहुत पैसा चाय पानी का नाश्ता दे के वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, लेकिन करते ही नहीं, जीरो बैलेंस। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे गुलाब, और इनके साथ हमने बातचीत की, पूरी रात की घटना को जाना। आपने सड़क को देखा था किस तरीके से, ये जो सड़क है वो खराब है, साधनों को आने जाने में दिक्कत होती है, साधन आते ही नहीं है। कुछ लोग जो गुजर रहे थे रास्ते से, हमने उनसे ही पूछा तो मना कर रहे थे। यहाँ पर एक और जिस महिला की डिलीवरी हो रही थी उसकी बुआ है, उनसे अब बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस घटना के बारे में क्या कहना है, क्योंकि वे भी उनके साथ थे, ऐसी जानकारी मिली है। रात है रोड खराब हो तो बिना कारण हो जाए, कोई भी चीज कारण ते बीमार रहन पेशेंट था, मुकीम क्या रोई था बीमार है तो जोड़ी कह रही जोड़ी मां का लेन किस ले जाओ, मेरे पास ज्यादा हो जाए तो रास्ता में खत्म दे जाओ। ते ओ था मां रोड किम बनियो नहीं, रोड तो पैसा लग भी जाए तो रो आले पण कोई तियान नहीं काम करो कोई नहीं। अच्छा, ते आ रोड बैंड भी सही है क्या बार बैंड भी सही है? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कमला, जो कि वार्डपंच भी है और रात की घटना में साथ भी थे, और किस तरीके से डिलीवरी हुई और उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, ऐसी जानकारी बातचीत करने के बाद पता चल रही है। गांव के और लोग भी हम बातचीत करेंगे कि सड़क ना होने की वजह से उन्हें और क्या क्या परेशानी होती है। ये मतलब रोड नहीं बनने की वजह से मतलब ऐसा हो रहा है, ये कम से कम परिवार 300-350 ऐसे मतलब परिवारों की आबादी है। ये कई सालों से मतलब बोझ ले जाना लाना ले जाना ये मतलब काफी तकलीफ रह रही है, और कोई डिलीवरी है या कोई बीमार है, गाड़ी की व्यवस्था करते करते या तो ज्यादा मतलब बीमार है तो वो रास्ते में ले जाते जाते मर भी जाता है। ये समस्या कई सालों से पूर्वजों के साथ भी हुआ है और हमारे साथ भी मतलब ये हाल में हो रहा है। सरकार में कई बार हमने रिपोर्ट भी दी, कई ये सुविधा करो वो करो यूं करके, लेकिन वो सुविधा हो रही नहीं है यूं करके मतलब काफी तो लोग। आपको क्या तकलीफ होती है रास्ता नहीं है? तकलीफ तो मैं काफी तकलीफ हो रही है, मतलब ये हर तरह की मतलब परेशानी उठानी पड़ रही है। औरत मर जाए तो कोई डिलीवरी का है या फिर मतलब कोई बीमार है या कोई मतलब ऐसी दुर्घटना घट गई तो फिर मतलब अस्पताल में पहुंचने में काफी तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे मेघराज भाई जो कि इसी गांव से है, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर जब मैं रास्ते से आ रहा था कहीं हेडपंप दिखा नहीं था। हेडपंप भी नहीं है, रोड की वजह से ही मतलब हेडपंप भी नहीं बन रहे हैं, जबकि बड़ा साधन आ नहीं पा रहा है, तो फिर मतलब बड़ा साधन आएगा नहीं और वो हेडपंप लगेगा नहीं है। अच्छा। रोड की वजह से ही मतलब ये कम पैसे है, जबकि ये स्कूल पास में पड़ रही है और आधो किलोमीटर में बच्चे में पानी टोक के ला के पी रहे हैं। तो लाइट यहाँ है या नहीं है? लाइट नहीं है, मतलब 3-4 सालों से ये पोल खड़े कर रखे हैं, लेकिन लाइट की भी मतलब व्यवस्था नहीं है। लाइट वाले लगाते ही नहीं है, मतलब कहते हैं मतलब बना देंगे वो करेंगे वो, लेकिन वो भी मतलब ध्यान देते हैं नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ ये उपला गुजर गांव के बहुत सारे लोग हैं, और बातचीत करने के बाद मुझे जो पता चला है कि यहाँ केवल सड़क ना होने की वजह से रात को जो घटना घट गई, एक डिलीवरी की महिला थी जिनकी बच्चे की मृत्यु हो गई, और साथ ही साथ में
गांव में पानी की भी समस्या है, हेडपंप भी नहीं बना हुआ और सड़क ना होने की वजह से किसी भी तरह का बड़ा जो साधन है, वाहन है, वो न आने की वजह से यहाँ पर बिजली की सुविधा भी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इनकी जो समस्या है जिम्मेवारी अधिकारी तक पहुँच पाए और इनका समाधान हो सके। तो दोस्तों आप बने थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार। स्टॉप कर दो।